अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जब से हारा है तब से पाकिस्तान पे इल्जामात का और पता नहीं क्या क्या सिलसिला शुरू हो गया है। कई जगह लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, क्या क्या चीजें शुरू हो गई हैं। इसी मामले में एक पाकिस्तान के पुराने जर्नलिस्टों के, जिनकी कोई चुरन चुरन बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। मुबशर लुकमान साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने बाबर आजम पर बड़े ही गहरे और संगीन इल्जाम लगाए हैं। सिर्फ बाबर आजम पर नहीं, बाबर आजम के अलावा और भी कई टीममेट्स पर और ग्रुपिंग पर और सारी चीजों पे उन्होंने बात की है, जिसमें कई ऐसी बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं जिसमें बंदा सुन गई हंसे या रोए, वो ही सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए। वो क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान का जो ग्राउंड इस टाइम अपडेट हो रहा है, स्टेडियम जो अपडेट हो रहा है, कजाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, उस पर एक अपडेट आ रही है, उस पर बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब साहब, आप देख रहे हैं तैयब ब्रेक। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुबशर लुकमान साहब पहले ही खास तौर पर इसी मामले में मशहूर है कि वो झूठा इल्जाम तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगाते हैं। इससे पहले भी कई जगहों पे ये चीजें हो चुकी हैं। कभी किस पे लगाया था, कुछ अर्सा पहले शुएब मलिक पे भी लगाया था, वो सिर्फ क्रिकेटर्स पर नहीं। वैसे तो इनका जो मेन जो काम है वो पॉलिटिशियंस के साथ है या पॉलिटिक्स को ज्यादा डील करते हैं, क्योंकि कई जर्नलिस्ट होती है जिस तरह कैटेगरी होती है, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है, कोई पॉलिटिक्स का होता है, तो इस तरह की उनकी कैटेगरी स्पोर्ट्स की नहीं है। लेकिन जब पता है कि भाई वहां पर भी कुछ नहीं चाह रहा, चलो यहाँ पे कोई कोई ना कोई बात सुन लेगा, इस तरह की बात करेंगे। पाकिस्तान का इस्टम सबसे बड़ा ब्रांड है बाबर आजम, उसके बारे में कुछ बुरा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं उनके व्यूज आएंगे, क्यों नहीं सारी चीजें होंगी। बड़े दिन से चुप हुए थे तो उन्होंने कहा चलो जी इसी बारे में मेरे बारे में कोई बात तो होगी, और चाहे बुरे अल्फाज में याद किया जाए लेकिन चलो कम से कम याद तो किया जाएगा। तो उसी मामले में उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या कहा कि बाबर आजम ने जो उनके पास गाड़ी है, उनके पास और भी जी ऑस्ट्रेलिया में उनको फ्लैट मिले हैं, यूएसए में उनको फ्लैट मिले हैं, क्यों उन्होंने बाबर आजम ने जो मैच आ रहे हैं यूएसए से उसकी कीमत मिली है। मतलब सीधा सीधा उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग और ये फिक्सिंग वाले स्कैंडल पर डाल दिया कि भाई ये किया है, वो बिके हुए हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, उनके पास जो इतनी चीजें आई हैं, उनके भाई ने उनको गिफ्ट किया है 6 करोड़ की गाड़ी, उसके भाई ने कैसे गिफ्ट कर दी, ये सारी एलिगेशन उन्होंने कहा। हालांकि कोई पीछे तफ्तीश वगैरह नहीं कि भाई गाड़ी किसकी है, क्या सूरत हाल है, बैकहेंड पे क्या सारी चीजें चल रही है। बिल्कुल इसी तरह बोल क्या रहे हैं जी, आयरलैंड से मैच आ रहे, नेदरलैंड से मैच आ रहे, यूएसए से मैच आ रहे, ना आयरलैंड से मैच हुए मैच, ना नेदरलैंड से मैच हुए वर्ल्ड कप में, तो हारे किन से, पता नहीं कौन सी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सी छत पे मैच लगा था जो उन्होंने देख लिया, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि सूरत हाल इसी तरह की है कि इल्जाम अगर आप लगा रहे हो इतने बड़े और इतने संगीन और एक बड़े क्रिकेटर पर लगा रहे हो जो कि इस टाइम पाकिस्तान टीम का हर फॉर्मेट का कैप्टन है, उस पर आप लगा रहे हो, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो आप बैकग्राउंड पे तैयारी करके फिर आप लगाओ, लगाना ही है। अगर तो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फजूल तरह ऐसे जिस तरह लगता है ना सुबह मुंह धोए बगैर शुरू हो गए, चलो जी जो मुंह में आया शुरू कर दिया। और पाकिस्तान में यहाँ वैसे पूछगछ कुछ नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में से पीसीबी को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हालांकि मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर ही ये काम करते रहे हैं, ये ARY पे काम करते रहे हैं, ARY के इनका एक शो भी आता था खरा सच, वहां पे इस तरह बात होती थी, जो भी है पॉलिटिक्स के हवाले से जो जो चीजें वो बताई जाती थी, क्या था डिस्कशन वगैरह होती थी। लेकिन यह है इससे पहले भी माशाल्लाह से काफी मशहूर है कि ये झूठे इल्जाम तो बहुत अच्छी तरह लगाते हैं। अब बात यही है कि इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, वो गाड़ी भी इवन जो गिफ्ट की गई थी वो बाद में भी सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं या हो नहीं रही, इससे पहले भी जो चीजें बताएं वो गाड़ी बाबर आजम की ही थी, ठीक है, जस्ट उसको सरप्राइज के लिए और अपनी वीडियो एक बनाने के लिए। उनके भाई का हमें पता है कि उनके जो भाई है वो ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब चैनल है उनका, तो उन्होंने एक वो वीडियो बनाने के लिए एक वीडियो बनाई है, इस तरह की सीन किया जिसपे इन्होंने कह दिया भाई उनके पास कौन से सास हैं जो उन्होंने ऐसे गिफ्ट दिया, उनके पास वहां पे कहां पे घर आ गए, इधर कहां पे घर आ गए, कोई तफसील नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बात यही है, अब ज्यादातर जो इम्कानात हैं वो भी यही हैं कि पीसीबी की तरफ से अब ऑफिशियल उन्हें वार्निंग जानी है, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि वो इस पे लीगल एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ हो सकता है, वो हो सकता है बाबर आजम जो भी है वो कहेंगे कि आपने जो एलिगेशन लगाया है वो आप प्रूव कर दें तो फिर बात बनेगी, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं है, और होना भी यही कुछ है। तो बात यही है कि अगर आप कोई भी चीज लगा रहे हो कम से कम इतनी बेसलेस ना हो कि इससे हार गए उससे हार गए, जिनसे मैच ही नहीं हुआ, अफगानिस्तान से हार गए, एक और ये भी लिखा है कि अफगानिस्तान से भी हार गए, पिछली बार वन ओवर तक कोई जीता जताया मैच हार गए। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूं, मुझे पता है वन साइडेड तो था ही नहीं, वन साइडेड नहीं, मतलब वो कह रहे हैं जीता जताया मैच हार, जीता जताया तो किसी तरह था ही नहीं, वो वन साइडेड उन्होंने हराया हमें, मतलब अफगानिस्तान ने पहली बार 2023 में वन साइडेड मैच हराया था, मतलब उनके आउट ही नहीं ऊपर से हुए थे, बिल्कुल ईजिली उन्होंने हराया था। तो आप बात क्या कर रहे हो,
कि या तो आपको ना कोई को बात ही सेंस नहीं है, बंदा एक बार स्कोर कार्ड ही उठा के देख लेता है कि भाई क्या असल में बात हुई है क्या नहीं हुई। इससे पहले भी जब उन्होंने शुएब मलिक पे भी एक बार इल्जाम लगाया था, शुएब मलिक ने इवन उन्हें चैलेंज किया था क्योंकि इधर के एक चैनल पे लगाया था, वो चैनल वहां पे भी एक फॉलो किया जाता है, इंग्लैंड में भी फॉलो किया जाता है, एक दो चैनल है पाकिस्तान के जो फॉलो किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने जो इससे लिंक चैनल वहां पे है वहां पे ये खबर एक बार मुझे चला के दिखा दो, बस एक बार ये चला के दिखा दो मैं थोड़ी मान जाऊं, और ये नहीं चला के दिखा सके थे। सीधी बात है वहां ऐसे नहीं होता, वहां पे फिर अच्छा भला फाइन और सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर कोई खबर झूठी हो, यहाँ पे भी होता है लेकिन इधर तो कोई बात ले दे के बात खत्म करने वाला मामलात आम है, इसलिए ये सारी चीजें। और लेकिन इस मामले को सही तरह देखा जाना चाहिए, कल को कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह देगा। पाकिस्तान टीम की वही बात है, जब से हारा है तब से इज्जत का तो खैर फलूता निकल ही गया, एक तो परफॉर्मेंस की वजह से, उसके बाद हारे शौफ का अलग पंगा, अब ये नया काम शुरू हो गया, कल को पता नहीं और क्या शुरू हो जाएगा। तो इस मामले में सीरियस लेना पड़ेगा पीसीबी को, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और लीगल कार्रवाई जो जो बनती है वो करनी भी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो एक स्टेडियम की रिनोवेशन शुरू हो गई थी उसमें गिराना चराना शुरू कर दिया था, वो था कजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी एक्सपेक्टेड है, जो कि शेड्यूल के मुताबिक यहां से गया, जो एक रफ शेड्यूल जाता है, एक सैंपल शेड्यूल जाता है आईसीसी को जिसने होस्ट करना हो, पाकिस्तान अब होस्ट है तो उन्होंने भेजा कि भाई यहाँ यहाँ पे ये मैचेस होंगे ये मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान इंडिया का 9 तारीख को मैच जो बना है, 9 मार्च आई थिंक बन रहा है, वो मैच पाकिस्तान का बन रहा है लाहौर में ही, तो उसी की रेनोवेशन शुरू हो गई थी। अपडेट ये आ रही है कि वहां का जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो आपका दुबई का जो क्रिकेट स्टेडियम उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, मतलब उसका अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर तो ऊपर एक बनी होती है, एक जिस तरह से सारा कवर हुआ होता है, सारे का सारा जो स्टैंड होते हैं वो कवर हुए होते हैं, जिस तरह से अम्ब्रेला टाइप होते हैं, अम्ब्रेला से हम कवर करते हैं खुद को, इस तरह से वो सारा कवर होता है। तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है या उस तरह का जो एक स्ट्रक्चर पास हुआ है अब उसी पे वर्किंग शुरू होगी, अभी तो खैर थोड़ा थोड़ी जा रही है, उसके बाद अब बनना भी जाएगा लेकिन उसी स्ट्रक्चर पे बना जाएगा। ये थी आज तक की अपडेट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।